सत्कार्यों सात संगति निम्रता से आप फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज सिख कौम का बहुत वड्डा इतिहासक दिन है, जितन दसवें पातशाह ने सिंघां नूं माफी दित्ती सी, बदावा मार दित्ता सीगा, जिहदा मतलब है कि जे आपां कौम दे नाल कोई गलती करते हैं, कोई गरदारी करते हैं, ता भी महाराज सच्चे पातशाह ने राह रख्या होया है कि तुहानूं माफी दित्ती जा सकती है। अज मैं गल यही करनी है कि SCPC दे भी इलेक्शन आ रहे हैं। मैनू अखबारों वाले पुछते हैं कि तुसी केड़े केड़े दे नाल समझौता करोगे, मेरा जवाब इक्को ही है कि समझौता किहदे नाल करिए, पंथ की गल किहड़ा करदा। पंथ दे नाल बहुत जबर हो रहे है, हुंदा रहा है, जदों किसे दे कोले राज आ जाए तां फिर वो की करदा। अज 14 तरीक है, 8 दिनां बाद अयोध्या दे विच हिंदुत्व दा राज है, उत्थे राम मंदिर दे विच मूर्ति रखी जा रही है। वो राम मंदिर किथे बन रहा है, जिथे 1992 दे विच मुसलमाना की बबरी मस्जिद सीगी, उस नूं नष्ट करके उहदे उत्ते 8 दिनां दे विच 22 तरीक नूं एक राम मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर बनाने माड़ी गल नहीं है, पर मैं तुहानूं दसदा कि राज की हुंदा है। यह हुंदा राज, राज की हुंदा है कि सिखां दे दरबार साहब दे उत्ते टैंकां तोपां दे नाल हमला कर दो, 36 होर गुरुद्वारियां दे विच फौज का कब्जा कर दो, सिख आगुआं नूं संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिआं नूं उन्हां दे नाल दिआं नूं शहीद कर दिओ। इह राज हुंदा, राज की हुंदा कि कैनेडा दे विच हरदीप सिंह निज्जर नूं सेंटर की सरकार मोदी की नाल नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नाल गृह वजीर अमित शाह सारे रल के उस नूं मरवा देण। आ फोटो लगी है निज्जर की। फिर तुसी रिपू दमन सिंह मलिक नूं कैनेडा दे विच मरवा दिओ। फिर कैनेडा दे विच सुखदूल सिंह नूं मरवा दिओ। बरतानिया दे विच अवतार सिंह खंडे नूं मरवा दिओ। पाकिस्तान दे विच परमजीत सिंह पंजवर नूं मरवा दिओ। पाकिस्तान दे विच लखबीर सिंह रोडे नूं मरवा दिओ। हरियाणे दे विच दीप सिंह सिद्धू नूं मरवा दिओ।
पंजाब दे विच मूसे वाल नंबर वा दियो ए राज हुंदा राज जो ताडे हाथ दे विच राज आ जांदा फिर तुसी एहो जे कम करदे हो सिख राज दे विच महाराजा रणजीत सिंह दे राज दे विच राज सिंह कौम ने किया पर महाराजा रणजीत सिंह दी फौजा ने 1819 दे विच अफगानिस्तान फतेह कर लिया जेड़ी संधि अफगानिस्तान दे नाल होई सिख राज दे नाल अफगानिस्तान का सूबा कश्मीर सी ए सिख कौम लाहौर दरबार दे नाल लग गया सात सूजा राजा सी अफगानिस्तान का उसने महाराजा रणजीत सिंह नो सब तो कीमती हीरा कोहिनूर दिता ए राज है 1834 दे विच लद्दाख चीन तो फतेह किया ए है राज सो सात संग जी असी सिख राज क्यों नहीं कर रहे क्यों करके असी मंग के गुलामी ली है 1947 दे विच हिंदू लीडरशिप ने गांधी नेहरू नूं ने कहा साडे लीडरां नूं मास्टर तारा सिंह नूं कि तुसी साडे नाल रल जो तुहानूं इक किता दवांगे पहाड़ वाले पासे जिथे तुसी अपना राज दा निक मान सकोगे साडे लीडर मन गए उन्होंने हिंदुओं के नाल मन लिया पंजाब का सूबा जेड़ा सिखां दा सी वह गांधी नेहरू ने साडा पाकिस्तान तोड़ता साडा पंजाब सूबा तोड़ता फिर की होया फिर साध संगत जी अज की स्थिति की है अज जेड़े सिख आजाद हस्ती हैगे है गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने की कहा इन गरीब सिखों को दूर पातशाही ते कादी पातशाही 1947 दे विच लई 1947 दे विच जो कुछ साडे सिखां दे नाल होया अज दे दिन दे विच जिहड़े साडे सिख पाकिस्तान दे विच है वह मुसलमान दे गुलाम है जिहड़े सिख अज हिंदुस्तान इंडिया दे विच आए असी हिंदू दे गुलाम है तुहानू पता है मोगल राज दे विच मोगल हिंदुआं दे मूंह दे विच पान खा के थुकदे हुंदे सीगे नौवें पातशाह ने अपनी शहादत दिती इन्हां दा मान रखण नूं पर अज स्थिति की है सेंटर दी वजारत दे विच कोई सिख वजीर नहीं है सुप्रीम कोर्ट दे विच कोई सिख जज नहीं है इलेक्शन कमीशन दे विच कोई सिख नहीं है सारे हिंदुस्तान दे सूबे
जिथे हाई कोर्ट है उथे मुख जज सिख नहीं है, फौज के तीन हिस्से है, एक फौज है, एयरफोर्स है, नेवी है, कोई सिख जज जनरल नहीं है। किधरे भी कश्मीर दे विच जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह ने फतेह किया सी उत्थे साडा नुमाइंदा नहीं है। कश्मीर दे विच हिंदुत्व राज मोदी ने पंजाबी बोली खत्म कर दिती है, जबकि सिर्फ सिख कौम उत्थे टिकी हुई है। जिहड़े पंडित हिंदू है वह हिजरत करके कश्मीर तो चले गए है, तो अज असी किथे है, गुलामी की है। जो आप वोटा कांग्रेस नूं पाउंदे हैं, बीजेपी बादल नूं पाउंदे हैं, 92 सीटा असेंबली दिया आम पार्टी नूं दिंदे हैं। मेरे वल ना चाको, आप सारिया ने 92 सीटा असेंबली दे विच अजे तक किसी पार्टी दिया नहीं आई, आम पार्टी की आई है। सो जे असी आप गुलाम बनना चाहते हैं फिर सानू कौन रोक सकता है। गल इत्थे वजदी है कि सारे पासे सिख कौम दे उत्ते, मुसलमान कौम दे उत्ते जबर हो रहा है, पर अपने कन खोल लो, अखा भी खोल लो, दिन चढ़िया होया है, रात नहीं है। माइक मेरे को है, उच्चा बोलता है, रात नहीं है, देखता है। अज स्थिति सिखा की यह है कि जे सिख ने कुछ करना नहीं, 26 जनवरी जिदन वड्डा दिन हुंदा, फौज की परेड हुंदी है, उत्थे अमरीका के प्रधान जो बाइडन ने आना सी, पर जो बाइडन अमरीका के प्रधान ने कहा कि जे हिंदुस्तान सिखां नूं बाहर दे मुल्कां दे विच मार रहा है, अमरीका दे विच भी कोशिश कीती है, पर जिन्ने कतल करना सी अमरीका दी पुलिस ने उन्हूं पहले ही दोष लिया। फिर अमरीका ने कहा कि साडा प्रेजिडेंट 26 तरीक नूं नहीं आऊगा। बोले सो निहाल तो कर लो, पर जे अणख रखी है वो अमरीका ने रखी है। आप सिर्फ जकारा ही बोलते हैं, शर्म होनी चाहिए है, आप करन जोगे कुछ नहीं है। और जेड़ा फौज का समझौता सी जिन्हों आप क्वाड कहते हैं, उदे मेंबर ने हिंदुस्तान अमरीका जापान ते ऑस्ट्रेलिया उस जथेबंदी की चीन के विरुद्ध दे विच दिल्ली दे विच 26 ते 27 तरीक नूं मीटिंग होनी सी। ऑस्ट्रेलिया जापान ते अमरीका इन्होंने कहा कि साडे प्राइम मिनिस्टर
दिल्ली नहीं पहुंचे। समझौता जिहड़ा तुहाडा चीन के खिलाफ होया है, उहदे विच कोई भी प्राइम मिनिस्टर जिहड़ा क्वाड के समझौते दे विच हैगा इंडिया दे नाल, वो नहीं आ रहे। फिर साध संगत जी, जे बाहर दे मुल्क साडी इज्जत रखणगे फिर आपां की कर रहे हैं, आपां कदे जोगे हैं। SCPC दे इलेक्शन 13 साल तो नहीं हुए, आपां की बंटे खेड दे रहे हैं। गुल्ली डंडा तो हम कोई खेडते ही नहीं, मैं देखा कभी खेड है तुहाडी मेरी की करते हैं। आपां कुछ भी नहीं करते, असी वोट भी नहीं पा सकते। जे मैनू पार्लियामेंट के विच नहीं बोलन देंगे तो आप नहीं बोलते, कुछ भी नहीं करते। जे हुण 22 तरीक नूं योद्धा दे मंदिर दे विच मूर्ति रखनी है, उत्थे साडे SCPC दे प्रधान ते अकाल तख्त दे जथेदार नूं बुलाया गया कि महाराज ने की कहा है कि तुसी मूर्ति पूजा करो ते जिथे मसीतां ढाईयां होण उन्हां दे उत्ते मंदर बनाओ ते तुसी योद्धा जाओ। ए साडे जथेदार ते SCPC करनगे, कदे इलेक्शन नहीं करोंगे कि जे इलेक्शन करा दिए अकाली दा नंबर सन्ना किते आ जाए फिर मुकाबला होगा। असी कादे बनने हैं, तुसी मेहनत दे नाल इन्नी कणक पैदा कर दियो, झोना पैदा कर दियो, नरमा पैदा कर दियो, तुसी इस इलाके दे वसिंदे हो कि नरमे दा भाव मिलिया। जे कणक की गल करिए सारे हिंदुस्तान नू असी अन्न दिंदे हैं, पर पाकिस्तान दे विच अन्न की कमी है। पाकिस्तान रूस तो अन्न मंगा रहा है, साडा बॉर्डर लगता है, असी ट्रैक्टरां दे नाल पाकिस्तान की मंडी दे विच कणकां झोने बासमती नहीं सिट सकते, साडे बॉर्डर क्यों नहीं खोलते। चीन ने 1962 दे विच लद्दाख का 40,000 square kilometer फतेह किया, मोदी सरकार दे विच 2020 ते 2022 दे विच 14,000 किलोमीटर होर फतेह कर रहे हैं। इंडिया ते भारत ते हिंदुस्तान चीन दे नाल व्यापार कर रहे हैं, फिर साडा बॉर्डर पाकिस्तान दे नाल क्यों नहीं खुलता। असी अपने मुंडे 46 लाख बेरोजगार है, साढ़े 2 किते हैं, एक जिमीदार है, एक ट्रांसपोर्ट है, कि साढ़े मुंडे ट्रांसपोर्ट दे विच ट्रकां दे विच रूस तक व्यापार नहीं पहुंचा सकते, साढ़े लाले बाणियों नूं फायदा नहीं हो सकता। ये सारिया गल्लां तुहाडे कोले मैं अज
रख रहे हैं कि सिख कौम तुसी उठो SCPC दे समझौते किसे नाल नहीं हो सकते। तुसी मैनू दसो किहदे नाल करिए, बादलां नाल करिए, होरां नाल करिए। ढींसा साहब ने कहा बड़ा तकड़ा पंजाब का लीडर है, सेंटर दे विच मिनिस्टर रहे है, उसने कहा कि मैं सुखबीर दे थले नहीं रह सकता। उन्होंने बगावत करती, अज ढींसा साहब कहते मैं बादलों दे विच घुसन नू तैयार है कि जे एडे वड्डे लीडर थुक के चट्टन लग पैण ते तुसी ते मैं की चीज है। तुसी दसो कि आ साडा है कि असी आजादी नहीं मंग सकते, साडे उत्ते इन्ने जाबर कानून लगाते हैं BJP ते RSS ने। ऐतकी मैं पार्लियामेंट दे विच सीगा जदों कानून नवें हिंदी दे विच साडा गृह वजीर दस रहा सी, मैनू समझ नहीं सी आउंदी कि ये केड़ी हिंदी संस्कृत बोली जांदा है। पर एक चीज का पता लग गया कि जे कोई जबर जनाह करूंगा उसनू मौत की सजा होगी। पर सात संग जी 2002 दे विच नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर सन गए, इन्होंने मुसलमानों के उत्ते हमले करवाए। एक बीबी मुसलमान सी, बीबी बाणो, उहदे उत्ते 13 बंदियां ने जबर जनाह किया। उहदी मासूम बच्ची उत्थी मारती, अदालतां ने दोषियों नूं उम्र कैद देती। पर 15 अगस्त जिहड़ा ये हिंदुत्वां दे लोग कहिंदे आ सानूं आजादी मिली है, उदण पिछले साल 15 अगस्त नूं सारे बलात्कारिए, सारे कातल सेंटर मोदी जी सरकार ने रिहा कराते। इत्थे 32-32 सालां दे सिख जेलां दे विच हैगे है, इक नूं मौत दी सजा कीती होई है राजूवाणे नूं। उह जे कहिए कि साडे रिहा करो, सानूं ऐ अंगूठा दिखाउंदे आ अंगूठा लै लो, तो साध संगत जी असीं सिख इहदे जोगे हैं। कोई अणख मर गई है, किधर गई है? सानू हो गए किन्ने साल तुहाडे कोले आउणे आ कि रब दे वास्ते सिक्खी नूं बचा लो, पर कोई असर ही नहीं पैंदा। जदों मैनू ट्रेनिंग मिलनी सी IPS दी, एक मेरा उस्ताद जेड़ा कट्टर हिंदू सीगा उन्हें सानू सारयां नूं बुला लिया। वो कहिंदा कि तुसी हुण जिलिया दे SP बनना, SSP बनना, DIG बनना, फिर तुसी IG बनना, तुहाडे कोले कशामती आदमी आउणगे,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਊ ਦੇ ਮਾਫਕ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ IPS ਦਾ ਫਿਰ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਗੜਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਦੇ ਮਾਫਕ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਿੱਖ ਮਾਰਤੇ ਹੈ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤੇ ਹੈ, ਆ ਤਲਵੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕੇ ਉੱਥੇ 2-3 ਸਿੱਖ ਮਾਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਗੈਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਹੈਰੋਇਨ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਿੱਟੇ ਚੁੱਟੇ ਦਾ? ਆ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਸਮਗਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਸਮਗਲਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਲਿਆਓ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਫੜੇ ਜਾਵੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਚੱਬੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਮਾਰਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣ? ਐਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਾਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਏ? ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ?
सो ये सारिया चीजें जे तुहानू कोई मार दिंदा है, अकाली दल अमृतसर बोलती है कि कानून के मुताबिक किसी नू पुलिस मार नहीं सकती, जानो ये काम अदालत का, सिर्फ अदालत मारन का हुक्म दे सकती है, जेल का हुक्म दे सकती है, पुलिस ते फौज किसी नू मार नहीं सकती। अज सिखां दी भर्ती बंद की है फौजां दे विच, मुंडे साडे वेले फिरते है, जे असी कुछ मंगीए तां बॉर्डर नहीं खोलते, फिर चीन दे नाल बॉर्डर क्यों खोलिया होया? आज तुसी सुनिया होगा एक हवाई जहाज दे विच फड़े गए है गुजरात दे एजेंट सीगे, जिन्होंने सिखां नूं कहा तुहानूं अमरीका भेजांगे, उह सारा हवाई जहाज फड़िया गया। हुण सिख क्यों जा रहे हैं बाहर, क्यों हिजरत कर रहे हैं? क्यों करके सिखां दे उत्ते जुल्म हो रहा है? ये आजाद नहीं है, ये गुलाम है। इन्हां नूं फड़ के इन्हां ते केस करके की कर लोगे? जबर तो जिहड़ा भी इंसान किसी होर मुल्क दे विच चलिया जांदा है, इंटरनेशनल कानून कहिंदा है कि वह इंसान अपना देश छड के दूजे मुल्क दे विच जाके पनाह ले सकदा है। फिर सिख पनाह ले रहे हैं बाहर जाके, इत्थों हिजरत कर रहे हैं, वह तुहानूं शर्म आनी चाहीदी है। जिहड़े कहिंदे इन्हां दे उत्ते केस करांगे, कदा केस करोगे? कानून दे मुताबिक गए हैं, कानून दे मुताबिक उन्होंने वीजे लाए हैं, कानून दे नाल वो लोग हवाई जहाज के उत्ते चढ़े हैं, उन्हां कोले वीजे सी, जा सकते सी। जे हिजरत कर रहे हैं तो जायज है, जबर के खिलाफ कानूनी तौर के उत्ते इंटरनेशनल कानून के मुताबिक असी बाहर के मुल्क जा सकते हैं। जे सानू महसूस होवे कि साडे उत्ते जबर हो रहा है, ये इंटरनेशनल कानून है। इस करके अमरीका का प्रधान जो बाइडन वो 26 तरीक नूं नहीं आ रहे, जिहड़ा इन्हां दा रिपब्लिक डे है। अज तुहानूं दल खालसा ते असी पोस्टर दिखाए है कि मोगे 26 तरीक नूं जिहड़ा ये गणतंत्र जां रिपब्लिक डे कहिंदे है, इस दे खिलाफ असी मुजाहरा करांगे। इहदा की मतलब है कि असी तुहाडा संविधान नहीं मन्नदे? मैं तां कहिंदा जे सानू पता होवे कि गांधी ते नेहरू ने जिहड़े साडे नाल वादे कीते है उह संविधान दे विच किथे है, कि तुहानू इक किता देवांगे जिथे तुसी आजादी दा निघ माण सकोगे। सगो 25 धारा दे विच तुसी लिखता कि सिख धर्म हिंदू धर्म का एक हिस्सा है, ये दो नुमाइंदे सिखिया ने भुपिंदर सिंह मान ते हुकम सिंह ने संविधान के उत्ते दस्तखत नहीं किए। जदों तुहाडे नुमाइंदियां ने दस्तखत नहीं किए संविधान के उत्ते, इहदा मतलब है कि सिख कौम ने संविधान नूं मन्निया ही नहीं। फिर मुजाहरा करन दी की लोड़ है? पर असी कर दांगे, क्यों करके आपां नूं पता ही नहीं कि असी दस्तखत संविधान के उत्ते कीते नहीं, असी इस संविधान नूं नहीं मन्नदे। जदों दस्तखत हो गए नुमाइंदियां दे, तुसी नुमाइंदगे बन के सरपंच कितें जांदे हो,
जे तुसी दस्तखत नहीं करोगे उस मीटिंग दे विच फिर वो मीटिंग सफल तो नहीं होगी, इन्नी तो समझ हैगी आपां नूं। सो साध संगत जी, अज महाराज ने बख्शिश की है, जिहड़े जिहड़े लीडर इधर उधर फिरते हैं ते सिखां दी गल नहीं करते, साडे उत्ते जबर की गल नहीं करते, उन्हां नूं कहो कि बदावे का दिन है, गुरु महाराज बख्शिश कर देंगे। जे तुसी एसजीपीसी दा समझौता अकाली दल अमृतसर दे नाल करना, फिर बंदे दे पुत बन के तुसी सिखां दी गल करो जिहड़ा जबर हो रहा है बगैर गल तो, तुहानूं असी दिल्ली दे दल्ले नहीं बनन देना है। सो साध संगत जी, आखिरी गल यह है कि आपां जिउंदे हैं जागदे हैं, कितने साल हो गए है असी तां नहीं मूंह फेरिया दिल्ली वल। सो तकड़े होवो, सुनेहा लेके जाओ कि असी आजाद होना चाहते हैं, साडा अलहदा देश होवे, एक पासे पाकिस्तान होवे, एक पासे हिंदुस्तान होवे, एक पासे चीन होवे, उहदे विचाले सिखां दा देश खालसान होवे। हां, नारियां नाल नहीं मरना है थोड़ा जा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।